तो देखो कूदने की तैयारी में। मत करो मत करो मत करो कुछ मत करो कुछ मत। यह है, ये लगातार हाईवे के बीच में दौड़ते जा रहे थे, इस वजह से जो नेशनल हाईवे है कुछ दिन के लिए ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि रुक जा इधर उधर मत जाना, नहीं मतलब जाना ही नहीं अभी उसके पास, उधर चलना। तो देखो कूदने की तैयारी में। मत करो मत करो मत करो कुछ मत करो कुछ मत। बैठो ना भैया, आप क्यों टेंशन, बैठो बैठो अच्छे से बांध ले, पकड़ पकड़ यहीं पे ऊपर ही ऊपर ही। क्या नाम है भैया? नाम बता दो, नाम बता दो। क्या नाम है भैया, नाम बताओ भैया, नाम बताइए ना, नाम बताओ नाम बताओ। इधर बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे ताकत लगाने का मतलब नहीं, बैठ जाओ। नाम तो बता दो मालिक। हाँ क्या नाम है? नाम बता दो, कुछ नहीं करेंगे आपको। शांत हो जाओ शांत हो जाओ पानी पिला दे। शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। शांत हो जाओ शांत हो जाओ। देखो भैया इधर देखो इधर देखो, हम लोग आपको ना इधर देखो, क्या बोल रहे हैं आपको सुनो, आपको पानी और खाना पूछने के लिए आए हैं। खाओगे खाना? क्या खाना खाओगे? क्या खाना खाओगे बताओ? उस पर क्या खाना खाओगे बताओ? क्या चाहिए, चावल चाहिए कि रोटी चाहिए? क्या खाते हो? रोटी। रोटी खाते हो? कितना रोटी खाओगे? तीन रोटी, तीन रोटी में हो जाएगा? चलो ठीक है, आपको नाम बता दो, आप जहाँ भी रहोगे ना हम लोग रोज ला के देंगे आपको। ठीक है ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है ना, कोई घबराने वाली बात। रोड में गाड़ी उड़ी आता है वो देखो, इसलिए ठीक है। पानी पिला दे, पिला दे, पियो पानी पियो। चलो पी लो, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत। पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। लो रोटी लेके आ रहे हैं, छोड़ दे रहे, चलो चले जाना। ठीक है पी लो, चले जाना आप, छोड़ दे रहे अपन, पी लो आराम से, मुंडी उठा मुंडी उठा के पियो। और पियोगे? थक गए हो, लो थोड़ा पी लो पी लो पी लो। तीन रोटी ऑर्डर कर देना भाई, तीन रोटी, तीन रोटी बोलना, तीन रोटी और सब्जी। कौन सा सब्जी? पनीर सब्जी कौन सा? पनीर चलेगा? ठीक है कढ़ाई पनीर बोल देना। हाँ कढ़ाई पनीर, तीन रोटी। हाँ ठीक है भैया, नाम बता दो आपका, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए भैया। रोहित हैं? क्या नाम है? रोहित। रोहित क्या नाम है? बस के बोलो क्या नाम है, नाम बताइए, नाम बताइए बस। हैं अब हम लोग क्या ना लिख देते हैं वहाँ पे किसके नाम से क्या क्या खाना जाएगा, नाम बता दोगे? खाना मंगाना है किस नाम से और खाना मंगाना है बता दो। कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो डेली बता दो, वहाँ खाना ला देंगे। कहाँ रहोगे? यहीं पे रहोगे, ब्रिज पे ही रहोगे ना? हाँ तो नाम नाम बता दो फिर, नाम क्या है? हाँ नाम क्या, नाम? हाँ नमस्कार, अभी हम रायपुर नाका ओवर ब्रिज के पास में खड़े हैं, और ये जो भैया हैं ये लगातार हाईवे के बीच में दौड़ते जा रहे थे,
और सुबह ही हमें करीबन 11 बजे जो नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग टीम है उनके माध्यम से सूचना मिली थी और उन्होंने इनको काफ़ी रोकने का प्रयास किया था और उनका पीछा भी किया था, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते तब तक ये भैया वहाँ से निकल चुके थे, भाग चुके थे। उसके बाद फिर आज अभी शाम को थोड़ी देर पहले हमारी टीम को जो है ये रायपुर नाका ओवरब्रिज के पास जो नेहरू नगर का ओवरब्रिज है वहाँ पर दिखे, और जिस आधार पर अभी हम इनके बचाव के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया का एक हाथ पूरा नहीं है और एक हाथ जो है वो भी आधा कटा हुआ है, और इसी परिस्थिति में जो है ये सड़कों पर दौड़ते जा रहे हैं, ना जाने कैसे ये खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, बस लेकिन सड़कों पर दौड़ते जा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ये अपने होश आवाश में भी नहीं है कि इनकी परिस्थिति क्या है और ये कहाँ जा रहे हैं, शायद उनको ये भी नहीं पता है। सुबह जो ये नेशनल हाईवे से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी से कुछ बता नहीं रहे अपने बारे में, हमसे बहुत देर प्रयास किया तो ये सिर्फ अपना नाम शायद मुकुल बता रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है कि अपना नाम क्या एग्जैक्टली बता रहे हैं, ये अपना गाँव या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, बस बात करने में इतना ही बोल रहे हैं कि वो रोटी खाएंगे, उससे ज़्यादा और कुछ बोल भी नहीं रहे। और हमारा प्रयास है कि भैया को जो है यहाँ से बचाव करके अपने आश्रम फील परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 ले जाया जा सके और एक बेहतर जीवन दी जा सके, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस अवस्था में ये अभी हैं, आप देखेंगे जैसे ही हमारी टीम इनको पकड़ने के लिए आई तब ये के जो शरीर है उसमें कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं था, एक फटा हुआ शायद एक टी शर्ट था वही पहन के दौड़ रहे थे, ना बदन में कोई कपड़ा था इनके, ना जीवन में कोई खाने का ठिकाना, ना पानी का ठिकाना, हाईवे में ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, शायद कोई कुछ दे दिया तो दे दिया खा लिए। हाईवे पेट्रोलिंग वाले भी हमें ये बता रहे थे कि ये हाईवे के बीच में दौड़ रहे थे, जिस वजह से इनका एक्सीडेंट होने का भी चांसेस हो गया था और जिस वजह से जो नेशनल हाईवे है कुछ दिन के लिए ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि ये बीच में आ गए थे नेशनल हाईवे के। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार के व्यक्ति जब अपने होश में नहीं होते हैं और इस अवस्था में भागते रहते हैं बेसुध अवस्था में, तो कितना खतरनाक हो सकता है जो इनके जीवन के लिए भी, साथ ही साथ ऐसी सड़क दुर्घटनाएं भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। तो अभी हम इनके बचाव करके अपने आश्रम लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस वजह से इनका हाथ कटा है या क्या परिस्थिति रही होगी, हमें नहीं पता है। अभी हम इनको लेके जाएंगे और इलाज करा के प्रयास करेंगे कि इनका कोई बेहतर ज़िंदगी किया जा सके, साथ ही साथ इनका इलाज शुरू करके इनके घर के बारे में पता कर सके और इनकी घर वापसी करा सके। अगर इस भैया को अगर आप जानते हैं तो नीचे जो दिया नंबर है उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि इनके घर पता करके इनकी घर वापसी करा सके। साथ ही साथ अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी लावारिस परिस्थिति में कोई बुजुर्ग और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति नज़र आए तो आप हमारे रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 9111097878 में संपर्क कर सकते हैं और 9777 में संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को हम जल्द से जल्द सड़कों से ज़िंदगी बता सके और एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। चलो कोई बात, कहाँ जाओगे?
यहीं बैठा गाड़ी को बंद कर दो और पीछे लिखना पड़ेगा नाम बता दो नाम बोलो कुछ नहीं बैठ रहा हूँ जैसे बोल रहा है हो गया आपका साइंस कॉलेज वहीं पे कर आपका ठीक है यार चल चल जान दे ओ बेड जो खाली दिख रहा है ना सामने उसी में लेटाना ओ दे चल भाई चल 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 बैठा दो आप खुद से तार पकड़े थे बिजली का तार खुद से पकड़े थे हाँ कहाँ घर में क्यों कोशिश किए थे ऐसे मरने का हाँ भात खाए बर किसी से झगड़ा किए थे ना तो कौन बचाया तुमको फिर निकाहरा कौन ले गया पढ़े लिखे हो कहाँ तक पढ़े हो चौथी फोन नंबर याद है नंबर तो बताओ अरे तो फोन नंबर कुछ तो होगा नंबर बताओ ना किसी का फोन नंबर याद है याद करके बताओ ना किसी का फोन नंबर तुम्हारे घर का पिन नंबर क्या है चिट्ठी लिखते हो पिन नंबर क्या है कोबिया चौक ना